नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार और मुजफ्फरपुर की खबरों के लिए OMG बिहारी देखें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल भी रखें, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, मास्क जरूर पहने। पटना को जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। आज पटना एम्स दीघा रोड एलिवेटेड ओवरब्रिज की आज उद्घाटन होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 12 बजे के बाद आज फीता काटकर खगोल लॉक के पास उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई है इस एलिवेटेड ब्रिज की, और जिसमें लगभग 9 किलोमीटर है एलिवेटेड ब्रिज। बाकी ये एम्स दीघा रोड को जोड़ने वाली बहुत ही बहुप्रतीक्षित सड़क होगी, जो जाम से मुक्ति दिलाएगी। जिन लोगों को सीधा बीटा खगोल या नौबतपुर जहानाबाद की तरफ निकलना है, वो जेपी सेतु से सीधा एम्स दीघा एलिवेटेड रोड को पकड़कर निकल लेंगे और कहीं जाम से सामना नहीं होगा, क्योंकि ये रेलवे लाइन और नहर के ऊपर बना है। बेली रोड को क्रॉस करता हुआ दानापुर के आगे ये देश की सबसे लंबी एलिवेटेड सड़क होगी। 12.27 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण लगभग 1300 करोड़ रुपए से हुआ है। ये जानकारी पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने दी है। पटना दिल्ली रेल खंड पे ये 106 मीटर लंबा ROB ब्रिज होगा। ये ROB ब्रिज 106 मीटर लंबा एक इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है। एम्स दीघा एलिवेटेड रोड पटना की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, जैसे कि मरीन ड्राइव परियोजना भी है। साथ ही मुख्यमंत्री दीघा से आर ब्लॉक जाने वाली सड़क का भी निरीक्षण करेंगे आज। पटना एयरपोर्ट से जुड़ी खबर है। 11 जोड़ी फ्लाइटें रद्द हो सकती हैं या उनके उड़ान के समय में तब्दीली आएगी, क्योंकि जारे का समय आ गया है, सर्दी की शुरुआत हो गई है, विजिबिलिटी कम होगी, देखने की दूरी कम हो जाती है। इस समय 1000 मीटर से अगर कम होती है दूरी देखने की, तो 11 जोड़ी फ्लाइटें रद्द हो सकती है या इनके समय में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा 15 दिसंबर के बाद पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली उड़ानों के साथ होगा। ये वो फ्लाइटें होंगी जो सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच होती हैं। अमूमन इस समय में विजिबिलिटी कम होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और एजेंसियां अपनी नई शेड्यूल बहुत जल्द जारी करने वाली है। पटना एयरपोर्ट पर 1000 मीटर से कम दृश्यता की समय में पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है, इसकी अप्रोच केवल 750 मीटर की है। इससे ऐसे में 1000 मीटर से कम दृश्यता होने पर फ्लाइट की लैंडिंग मुश्किल हो जाती है। रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है फ्लाइट लैंडिंग के समय। ये तो थी पटना से जुड़ी दो खबरें। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी में लगाई कुछ पाबंदियों में छूट दी है। अब शादी बैंड बाजे बारात के साथ हो सकेंगी। पहले ये पाबंदी थी कि 100 लोगों से ज़्यादा शादी समारोह में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अब कुल स्टाफ शादी वाले स्टाफ को लेकर, यानी बैंड बाजे और कैटरिंग वाले को लेकर 150 लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। शादी अब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ होगी। बैंड बाजे बारात लेकर निकल सकते हैं सड़कों पे। पहले ये पाबंदी थी कि शादी वाले जगह पे बैंड बाजे बज सकते थे। बारात लेकर निकलने पर पाबंदी थी और बारात के साथ बैंड बाजे पर भी पाबंदी थी। बैंड बाजों के एसोसिएशन ने 2 दिनों से लगातार अपनी मेहनत से ये पाबंदियाँ हटवाई है। वे सब भुखमरी की कगार पे आ गए थे। लॉकडाउन के बाद से उनकी बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गई थी। पटना समेत मुजफ्फरपुर की AQI लेवल यानी प्रदूषण का लेवल स्तर बहुत ही खतरनाक हो गया है। 300 के आसपास रहने लगी है पटना और मुजफ्फरपुर की AQI लेवल, जो दिल्ली से भी खतरनाक मानी जा रही है। रविवार को कम वाहनों के चलने से AQI लेवल 300 से कम था। पटना में भी और मुजफ्फरपुर में भी 270-280 के आसपास AQI नापा गया, पटना में भी और मुजफ्फरपुर में भी, जो कि आम दिनों में 300 के ऊपर चला जा रहा है। जैसे कि आज सोमवार है, छुट्टी का दिन है, फिर भी वाहनों की संख्या आज सड़क पर ज़्यादा होगी। उम्मीद है आज भी प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। कोशिश करें कम से कम गाड़ियाँ लेकर निकलें, साइकिल चलाएँ, कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और सहयोग करें प्रदूषण के स्तर को कम करने में। वैसे कोरोना काल में लोग अपनी गाड़ियों से निकलना पसंद कर रहे हैं, इसलिए भी प्रदूषण का लेवल बढ़ते जा रहा है। बसों के कम परिचालन से, ट्रेनों के कम चलने की वजह से भी ये स्थिति आ गई है।
दिल्ली का AQI लेवल पटना से भी कम था, 258 था, पटना का 288 AQI था रविवार को, मुजफ्फरपुर का रविवार को AQI लेवल था 242, जबकि गया का था 134। मुजफ्फरपुर शहर में एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। जून 2021 से CNG से चलने वाली ऑटो रिक्शा चलेंगे मुजफ्फरपुर में। शुरुआत में ये कुछ रूट पे चलेगी, धीरे धीरे ये सभी जगह हो जाएगी। ये जी 3 CNG फ्यूल स्टेशन लगाने की तैयारियां भी चल रही है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल के साथ करार किया है। गेल शीघ्र ही 3 स्थानों पर 3 CNG आउटलेट खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेंडर निकालने के लिए भी तैयारी चल रही है। पहले चरण में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो को CNG पे लाया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे अन्य व्यावसायिक वाहनों यानी टैक्सी वगैरह को भी CNG पर लाने की कार्यवाही होगी। मोतीझील फ्लाईओवर पर रविवार को भी चालान काटे गए, जाम का नज़ारा था। लगन तेज होने की वजह से मोतीझील मार्केट में खरीदारी बढ़ जाती है। वाहनों के पार्किंग की सुविधा नहीं होने से लोग चार चक्के को मोतीझील फ्लाईओवर पर लगाते हैं। ये सब नगर निगम की समस्या है जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। केवल फ्लाईओवर हो जाने से शहर को निजात नहीं मिलने गया। पहले रेलवे फाटक थी तो लोगों को बाजार जाने में समय लगता था, अब जब सड़क की चौड़ाई कम हो गई, फ्लाईओवर बन गए, तो वाहनों के पार्किंग की समस्या बन गई। तब तक जनसंख्या भी बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई, अतिक्रमण भी बढ़ गए हैं। जहां भी खाली जगह थे वहां लोग दुकान लगाकर बैठ जाते हैं, गाड़ियों के रखने की जगह नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो 1:04 से 5:22 शाम तक रहेगा। वैसे ये दोपहर में होने की वजह से बिहार में देखने को न भी मिले, लेकिन 5:22 में होने के कारण 5 के बाद आप चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। वैसे चंद्र ग्रहण को देखना अच्छा नहीं माना जाता है। नवंबर महीने का अंतिम दिन है, फिर भी सर्दी के तेवर में कोई तेजी नहीं आई है। अभी भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है लगातार दूसरे दिन। कि रात में ठंड बढ़ जाती है, शहरी इलाकों में तो ठंडी कम पड़ती है, पर ग्रामीण इलाकों में जहां हरियाली ज़्यादा है वहां ठंड ज़्यादा पड़ती है। वैसे मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार घोषणा की है कि दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, न्यूनतम पारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। बिहार में पारा 4 डिग्री से नीचे भी जा सकता है, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। नवंबर की तरह दिसंबर में भी बैंकों में ज़्यादा छुट्टियों के दिन होंगे, 14 दिनों से भी ज़्यादा बैंक बंद हो सकते हैं। रविवार और शनिवार, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को छोड़कर बाकी दिनों भी छुट्टी होने की उम्मीद है, इसलिए अपने काम को निपटा लें। हर राज्य में अलग अलग छुट्टियाँ होती है, पर बिहार में भी उम्मीद है 10 से 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। अपनी सावधानी बरतें, बैंकों के कार्य उसी तरीके से निपटा लें कि आपको परेशानी ना हो। ये थे आज के मुख्य समाचार। आज सबसे बड़ी खबर है एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, पटना एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें जिसमें 15 दिसंबर से फ्लाइटों में तब्दीली आएगी, 11 जोड़ी फ्लाइटें रद्द भी हो सकती हैं या समय में परिवर्तन भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर की हालत में कोई सुधार नहीं है, प्रदूषण स्तर बढ़ते जा रहा है, सर्दी तेज होने जा रही है, कोरोना भी बढ़ रही है, देखने को नहीं मिलता है न। अब कंटेनमेंट जोन की बात होती है, न बांस बल्लियों की, जमाने चले गए हैं। सड़कों पे भीड़ भाड़ उसी तरीके से है, मास्क लोग पहनते हैं पर यहाँ लटका कर रखते हैं, नाक के ऊपर भी मास्क नहीं पहनते हैं। मास्क पहने तो उसे अच्छी तरीके से पहने और हर रोज साफ जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। अगली बुलेटिन जल्द अच्छी खबरों के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो OMG बिहारी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और फेसबुक पे देखते हो तो लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें।